नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कैरिबियाई देशों के नेताओं के पहले समिट में उनसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की अपील की। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहुल चौकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की समाप्ति के बाद उसे भारत को सौंपा जाएगा। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख बनी। और भारत की महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ आज सूरत में T20 श्रृंखला का दूसरा मैच खेलेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से व्यापार के लिए अनुकूल भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने उनसे अनुरोध किया कि वे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर पूरे विश्व के लिए समाधान निकालने के लिए स्टार्टअप इंडिया के अनूठे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट वेयर देयर इज अ स्केल, कम टू इंडिया। इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम, इन्वेस्ट इन अर्बनाइजेशन, कम टू इंडिया। कल न्यूयॉर्क में 20 प्रमुख क्षेत्रों के 42 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुखों के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत में राजनीतिक स्थिरता, विकास और वृद्धि के अनुकूल नीतियों के पूर्वानुमान के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने किसानों और खेती से जुड़े लोगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के कारोबार को बढ़ाने पर भी जोर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में उपस्थित थे। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने विशेष संवाददाता अतुल तिवारी के पास। फिलहाल हमारा अपने संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन से अलग बेल्जियम, न्यूजीलैंड और आर्मेनिया के प्रधानमंत्रियों तथा एस्टोनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच व्यापारिक समझौता जल्द ही संपन्न करने में आर्मेनिया से सहयोग का अनुरोध किया। आर्मेनिया यूरेशियन आर्थिक संघ का सदस्य देश है। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को आर्मेनिया के निरंतर समर्थन के लिए पाशिनयान का धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन के साथ भी दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी निवेश और व्यापार समझौता जल्द करने तथा आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, बहुपक्षीय संस्थानों और प्रवास तथा गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति केर्स्टी कालुलेट से भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में कैरिबियाई देशों के नेताओं से मुलाकात की। यह न्यूयॉर्क में पहला भारत कैरिबियाई नेता शिखर सम्मेलन था, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ ही इस समूह में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। जानकारी के लिए चलते हैं अपने विशेष संवाददाता अतुल तिवारी के पास। जी अतुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ कनक जी। हाँ अतुल जी, प्रधानमंत्री के ब्लूमबर्ग फोरम में बिजनेस लीडर्स को संबोधन के क्या मायने हैं? देखिए कनक जी, इस फोरम के जरिए प्रधानमंत्री ने बिजनेस लीडर्स को बताया कि भारत में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त माहौल है अभी, और यह दोनों पक्षों के लिए एक विन विन सिचुएशन के समान है। उन्होंने ब्लूमबर्ग की रेटिंग का हवाला दिया, जिसमें भारत को एशिया में अव्वल नंबर पर दिखाया गया है। साथ ही यह भी बताया कि विश्व बैंक की ईज ऑफ बिजनेस बैंकिंग में भारत ने काफी प्रगति की है। कनक जी, अतुल जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक के परिणामों को आप कैसे देखते हैं? जो सीईओ की राउंड टेबल थी, उसमें आप देखें कि करीब 42 चोटी के सीईओ आए थे, और वो एक के बाद एक सारे बड़े नाम थे, और ये लोग अलग अलग सेक्टर्स थे। इनमें IBM थी, गूगल, इंटेल, वॉलमार्ट, लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने भारत में निवेश के प्रति एक सकारात्मक रुख दिखाया, और तो और इनमें से कई कंपनियों के सीईओ बाद में प्रधानमंत्री से आकर मिले और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान भी साझा किए। कनक जी, पहली बार कैरिबियाई देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन हुआ है,
क्या संदेश जाता है इससे? यह कनक, ये जो कैरिकॉम देशों का जो समूह है, इसमें कई ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतवंशी बड़ी तादाद में रहते हैं। इनमें गुयाना, सुरीनाम, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जैसे देश शामिल हैं। और ये देश आपसी प्राकृतिक आपदा से काफी प्रसिद्ध भी रहते हैं। हाल ही में आप देखेंगे कुछ दिन पहले हरिकेन डोरियन यहाँ आया था। तो एक तरह से आपसी रिश्तों को मजबूत करने और इन सबको ताकत प्रदान करने के लिए भारत ने एक नया फोरम खोला, जिसके जरिए इन सबको अपनी बात कहने का मौका मिला। और प्रधानमंत्री ने इसमें इन देशों के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट असिस्टेंस की घोषणा की है ना? जी अतुल, धन्यवाद। एंटीगुआ और बरमूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। कल रात न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत में श्री ब्राउनी ने कहा कि भारतीय जांचकर्ता पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में चोकसी से एंटीगुआ में पूछताछ कर सकते हैं। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि धोखाधड़ी मामले के आरोपी चोकसी को अंततः भारत भेजा जाएगा। We have an independent judiciary and the matter is before the courts. So the executive has no locus in the matter. After he would have exhausted all of his appeals, you can be sure that he will be extradited. He will be repatriated back to India. बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया प्रमुख चुना गया है। वे क्रिश्चियन लेगार्डे का स्थान लेंगी और अगले महीने की पहली तारीख से उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। एक वक्तव्य में क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि विभिन्न देशों में आर्थिक संकट के खतरों को कम से कम करना उनकी प्राथमिकता होगी और वे आर्थिक मंदी से उबरने में सहयोग देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 57वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और कल से प्रभावी होगा। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया देहरादून से वाराणसी और मुंबई के बीच इस महीने की 28 तारीख से विमान सेवा शुरू करेगी। ये सेवा सप्ताह में 2 बार यानी प्रत्येक बुधवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। इससे देहरादून को मंदिरों के शहर वाराणसी तथा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने की पर्यटकों की लंबित मांग पूरी हो सकेगी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने खादी डिजाइन को आकर्षक, अत्याधुनिक और वैश्विक ब्रांड बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खादी की परंपरा और इसका उत्पादन बढ़ाकर बिक्री पर विशेष जोर देना चाहिए। नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केंद्र पर विचार विमर्श में गडकरी ने कहा कि देश के युवाओं में खादी को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासदिसस और यूनान के प्रधानमंत्री कायराकोस मित्सोताकिस से मिलने का कार्यक्रम है। भारत की महिला क्रिकेट टीम आज सूरत में T20 श्रृंखला का दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। आकाशवाणी से इसका सीधा प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी में शाम 6:50 से किया जाएगा, जिसे FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। काठमांडू में सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप में गुरकीरत सिंह के 2 गोल की मदद से कल भारत ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyayar.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं परहत नाज। धन्यवाद कनकलता। आज के ज्यादातर अखबारों ने दुनिया के औद्योगिक घरानों को भारत में निवेश के लिए प्रधानमंत्री के आमंत्रण को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री का बयान दिया है, अवसर का लाभ उठाएं, भारत में उद्योग लगाएं और विश्व के लिए सामान बनाएं। जनसत्ता ने भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य दिया है, बड़े बाजार तक पहुंच के लिए भारत आएं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, छटनी के दौर में आउटप्लेसमेंट कंपनियों की बढ़ी मांग, बेरोजगार हुए लोगों की नौकरी तलाशने में मदद कर रही फर्में। चिन्मयानंद मामले में रंगदारी के आरोप में पीड़िता की गिरफ्तारी को राष्ट्रीय सहारा सहित अनेक अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली में किरायेदारों को भी मुफ्त बिजली दिए जाने की खबर दी है, 200 यूनिट तक फ्री का फायदा, अमर उजाला ने भी इसे पहला समाचार बनाया है।
हिंदुस्तान ने बताया है राज्यों को सस्ता प्याज देगा केंद्र। दैनिक भास्कर लिखता है दिल्ली में अब सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें सिर्फ 112, ऑड इवन के साथ ऑफिस में फ्लेक्सी वर्किंग टाइमिंग की तैयारी। अमर उजाला के पहले पन्ने की खबर है बदल सकता है सरकारी दफ्तरों का समय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कैरेबियाई देशों के नेताओं के पहले समिट को संबोधित करते हुए उनसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की अपील की। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहुल चोकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की समाप्ति के बाद उसे भारत को सौंपा जाएगा। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख बनी। और भारत की महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ आज सूरत में T20 श्रृंखला का दूसरा मैच खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।